गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका वेलकम है सृजन द सिविल फोरम में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एक्सप्रेस बैच के डेमो लेक्चर के बारे में। और इस डेमो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को बनाने का मेन मोटिव है कि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग आरआरबी एक्सप्रेस बैच को ले जाने वाले हैं, इस बैच में आपको क्या मिलेगा, पढ़ाया किस तरीके से जाएगा, क्या हम लोग जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वह इतनी अच्छी है कि आपको हम एग्ज़ाम निकालने के कैपेबल बना सकें, इन सारी चीज़ों का सही जजमेंट आप ले सकें, इसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि आरआरबी एक्सप्रेस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें तीन अलग अलग तरह के कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जो चाहे इसमें से परचेज कर सकते हैं या तीनों परचेज कर सकते हैं। कोर्स वन में क्या है, तो कोर्स वन वीडियो कोर्स है। वीडियो कोर्स मतलब क्या कि जो भी आरआरबी के सीबीटी वन के सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस एंड जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आता है, तो इन सब सब्जेक्ट के हम आपको वीडियोस एंड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। वीडियोस ताकि आपके कॉन्सेप्ट बनाए जा सकें, और पीडीएफ ताकि उसमें जो भी पढ़ाया गया है उसको नोट्स के फॉर्मेट में आपको दिया जा सके। ये सारे के सारे वीडियोस एंड पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। हाँ, डाउनलोड नहीं कर सकते प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। ठीक, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन शीट्स दी जाएंगी, ताकि जो भी आप टॉपिक पढ़िए उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। अच्छे से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बिफोर एग्ज़ाम। अगर जनवरी में एग्ज़ाम होना है तो किसी भी सिचुएशन में दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपको रिविज़न करने का पूरा एक महीना मिले। फीस बहुत ही नॉर्मल रखी है, 799, और मार्केट में सबसे कम फीस हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स हर स्टूडेंट तक पहुँचे और वह उसके बजट के अंडर रहे। दूसरा कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है पेड टेलीग्राम ग्रुप। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका नॉन टेक्निकल पोर्शन अच्छा है, वो बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक देंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आज की बात करें तो मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि भाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ना है, आप पढ़ के आए, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक एक दिन छोड़ करके, यानी अल्टरनेट डे पर हम लोग क्विजेस कराएंगे। अल्टरनेट डे इसलिए ताकि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्विज दे सकें। यहाँ पे कोरम पूरा नहीं करना है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली वैकेंसी है, तो हम चाहते हैं कि आरआरबी जे में आपका सिलेक्शन शॉर्ट शॉट हो ही जाए। साथ ही साथ में क्विजेस के साथ आपको रिविज़न करने के लिए शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। प्रॉपर शेड्यूल में टेलीग्राम ग्रुप चलेगा पूरे एक हफ्ते का। आपको, अगर आप अश्वमेध प्रोग्राम फॉलो कर रहे होंगे तो आप मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। एक हफ्ते का आपको कैलेंडर दे दिया जाएगा कि एक हफ्ते में इस दिन ये टॉपिक का टेस्ट होना है, उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करेंगे और आप क्विजेस को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें फ़ायदा ये होना है कि आपकी स्ट्रेटजी बनी रहेगी। प्राइस 249 है। फिर टेस्ट सीरीज़, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट होगा, जैसा कि हम लोग का एसएससी जेई के लिए हो रहा था। क्वेश्चंस की क्वालिटी, चाहे पेड टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, टॉप नॉच रखी जाएगी। आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, मिक्स टेस्ट दिए जाएंगे, और टोटल टेस्ट हम लोग 50+ देंगे। इसकी फीस 199 है। अगर आप तीनों परचेस करना चाहते हैं तो आप 999 रुपीज़ में मास्टर कॉम्बो परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको ये तीनों फैसिलिटी दिया जाएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मास्टर कॉम्बो परचेस करिए। क्यों? क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। ठीक है, 999, अभी बाकी कोचिंग्स भी जब मार्केट में आएंगे आपको समझ में आएगा कि मैं ये लाइन क्यों रिपीट कर रहा हूँ। इतने कम रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज़, पेड टेलीग्राम ग्रुप, वीडियो कोर्स, नोट्स, एवरीथिंग मिलेगा, और क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। आपको टोटल सेटिस्फैक्शन दिया जाएगा। आप जब पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमें जो दिया गया है, जिसका हमने पेमेंट किया है, वो फ्रूटफुल है। इस चीज़ को समझाने के लिए चलिए इस डेमो क्लास को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। बायलिंगुअल में नोट्स रखे हैं ताकि आप चाहे इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो डेमो का टॉपिक क्या है हमारा? तो डेमो का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स का समझ लीजिए फंडामेंटल है। यहीं से सारी फिजिक्स शुरू होती है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स को नाप नहीं सकते, किसी पैरामीटर्स का यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी अप्लाइड इंजीनियरिंग हो, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे।
तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिट्स, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई भी कहते हैं। क्या होता है यूनिट्स? कोई भी क्वांटिटी है, अगर आप उसको नापना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी इकाई या यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, इसकी हाइट नापनी है। अब हाइट को आप सेंटीमीटर में, फुट में, किसी ना किसी चीज़ में नापोगे ना, तो अगर किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो आपको उसकी एक यूनिट चाहिए होती है। यही यूनिट उस क्वांटिटी को मेज़र करने में, नापने में आपकी हेल्प करती है। अब सवाल उठता है क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी किसी भी चीज़ को दिखाने की एक, समझ लीजिए कि एक तरह से मात्रा होती है, पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी एज है, ठीक है, अब एज है, एज क्या हो गया, एज आपका एक तरह से क्वांटिटी हो गया, इसे हम नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मेरी एज 30 ईयर्स है। ठीक है, या जैसे पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन है, मैं कहा कि सिटी की पॉपुलेशन, तो अब सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन इज अ क्वांटिटी, और इसको हम नाप किस में रहे हैं, इसको हम नाप रहे हैं, चलने वाले 20,000 आ गया, 40,000 आ गया, तो ये हो गया उसकी यूनिट्स। तो अगर हम एकदम देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, आरआरबी की प्रिपरेशन करने के दौरान जो चीज़ आपको सबसे अच्छे ध्यान रखनी है कि यह कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना, आप इंजीनियर बन चुके हो, डिप्लोमा कर लिया है, बीटेक कर लिया है, एमटेक कर लिया है, तो आप इंजीनियर बन चुके हो। अब आप फिजिक्स का एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एक अप्रोच होता है जनरली जब हम लोग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एसएससी जेई या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो जो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाया जाता है, तो आप उसको रटने लगते हो। यहाँ पर रटना मत, सीबीटी 1 तभी निकलेगा जब आपका नॉन टेक्निकल पर ग्रिप बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स। किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड चुना जाता है मेजरमेंट का, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। जैसे हम अगर बात करें मास की, तो मास एक क्वांटिटी होती है, और इस मास को नापने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं वो हो गया किलोग्राम। अब यह किलोग्राम पूरे दुनिया में सेम ही होगा, आप इंडिया में किलोग्राम बोलो उसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी जो अमेरिका में होगी। तो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया जाता है अमाउंट, उसको हम बोलते हैं यूनिट। और क्वांटिटी क्या होती है? जब भी किसी चीज़ को नंबर में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी। जैसे एज को हम क्वांटिटी बोल सकते हैं क्योंकि एज को नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पॉपुलेशन को हम क्वांटिटी बोल सकते हैं क्योंकि इसको भी नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेट, जिसको हिंदी में भार कहते हैं, वजन कहते हैं, वेट को भी हम लोग क्वांटिटी बोल सकते हैं क्योंकि इसको भी नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के आगे क्या जुड़ गया? फिजिकल, यानी कि जब कोई क्वांटिटी लॉ ऑफ फिजिक्स को, यानी कि भौतिकी के नियमों का पालन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स के जो भी लॉ हैं उनको फॉलो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि मास है, मास फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन को फॉलो करता है। लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी क्वांटिटीज़ फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है, भौतिकी के नियमों का पालन करती है, इसीलिए हम इनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रही हैं। न्यूटन के लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ, ये सारी चीज़ें इन पर अप्लाई की जा सकती हैं। तो चूँकि हम फिजिक्स के नियम को इन पर अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, अगला है, अब कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं आपकी टोटल दो तरह की। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन यानी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम बोले मास, मास यानी द्रव्यमान। अब जब हम बोलते हैं कि मेरा मास 60 kg है, अब किस डायरेक्शन में 60 kg है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को केवल
मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, लेंथ, टाइम, प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आ गई, या स्केलर क्वांटिटीज़ में आ गई। याद रखना, ना केवल डेफिनेशन एग्जाम में आता है बल्कि कई बार एग्जाम में चार ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है या इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब स्केलर की अगर बात हो गई तो हम अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। यानी कि आप इसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को यूज़ करके ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मेरे को उसका डायरेक्शन भी चाहिए। अगर मैं डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट के बजाय वो डिस्टेंस हो जाएगा। मैं बोलूँ केवल 10 मीटर तो यह डिस्टेंस है, मैं बोलूँ ईस्ट के डायरेक्शन में 10 मीटर तो यह डिस्प्लेसमेंट है। जनरली जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी दिखाते हैं, जैसे फोर्स है, तो फोर्स के ऊपर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यह एरो रिप्रेजेंट करता है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करती है। क्या होता है आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे आपको। इसमें हमेशा क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर इस तरीके से एरो बना दिया जाता है जो कि एक तरह से वेक्टर का निशान होता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, टॉर्क यानी कि घूर्णन, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, एक्सेलरेशन वेग, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे उनके बारे में बात करते जाएंगे। एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लिख दिया है क्योंकि सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर का होता है वो चार ऑप्शन दे करके पूछ लेता है, बताओ इसमें से स्केलर कौन सा है, बताओ इसमें से वेक्टर कौन सा है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पर रिप्रेजेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जो कि आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बेसिस पर रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना था, आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी थी और उनके एग्जांपल्स याद रखने थे। अब आते हैं एक बेसिक सा, समझ लीजिए कि थ्योरी है, ठीक है, कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। कई बार पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से क्या समझते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे लेंथ नापना है, डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझे रहोगे तो आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी, ठीक। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ लेंथ क्या है, तो हो सकता है कि आप बोलो कि सर मेरी लेंथ 6 feet है, हो सकता है मैं बोलूँ कि मेरी जो हाइट है वो 183 centimeter है। देखा जाए तो दोनों तो सेम है, 183 centimeter बोलो चाहे 6 feet बोलो। अब अगर मैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो 6 feet अगर इंडिया में 6 feet है तो यही सेम वैल्यू अमेरिका में भी इतनी ही होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई पैरामीटर, अगर मैं कोई पैरामीटर, पैरामीटर मतलब कि कोई भी राशि, अगर मैं कोई पैरामीटर किसी यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वह यूनिट क्या होना चाहिए, वह यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब कि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो वहाँ पर जा कर के अगर आप इस यूनिट का यूज़ करो तो वो सेम मीनिंग लिखा है, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि ए एक व्यक्ति है जिसका मास 60 kg है तो यह 60 kg की वैल्यू सेम इंडिया में भी हो, सेम ब्रिटेन में भी हो, सेम अमेरिका में भी हो। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या बताता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक तरीके से आपको मानक
देने का काम करता है, आपको हेल्प करता है कि यह जो क्वांटिटी आपने नापा है ना, यह क्वांटिटी पूरी दुनिया में सेम ही तरीके से नापी जाती है, ठीक है। यानी कि आपको अलग अलग जगह जा करके अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक तरीके से किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए माना गया स्टैंडर्ड है, जो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ को मैंने मीटर में नापा है, तो एक मीटर की वैल्यू पूरी दुनिया में एक मीटर ही होनी चाहिए। कहीं पर ऐसा ना हो कि अमेरिका में एक मीटर आपका 100 सेंटीमीटर है और जब आप चले गए बांग्लादेश तो वहाँ 110 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बेसिक सी चीज़ है, इस पर क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अगर कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति का मास 60 kg है, तो यह 60 kg पूरी दुनिया में सेम ही होना चाहिए। अलग अलग देश में इस 60 kg की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें कि यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, तो यूनिट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, जिसको हिंदी में मूल इकाई कहते हैं, और एक होता है हमारा डेराइव्ड यूनिट, जो कि इन्हीं से बनता है। हिंदी में उसको व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि यह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि अगर मैं लेंथ नाप रहा हूँ, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमको मास की और या फिर इलेक्ट्रिक करंट की या टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लेंथ की यूनिट का यूज़ करके लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिट जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है, जो टोटली बाकियों से इंडिपेंडेंट है, ऐसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और टोटल 7 types के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लेंथ यानी कि लंबाई, दूसरा होता है मास यानी कि द्रव्यमान, तीसरा होता है टाइम यानी कि समय, चौथा है टेम्परेचर यानी तापमान, पाँचवा है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। और ये सातों मिल करके कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि अगर मैं टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इन बाकी 6 की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी 6 की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि यह सारी यूनिट एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इनको हम फंडामेंटल यूनिट या मूल इकाई कहते हैं। याद रखना, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी इसमें डिटेलिंग थोड़ी और आगे करेंगे, डोंट वरी। अब फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाया जाता है डेराइव्ड यूनिट। क्या होता है डेराइव्ड यूनिट? जिसको हिंदी बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न यानी कि जो किसी चीज से उत्पन्न हो रही हो, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनसे बनता है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न इकाई। यानी कि अगर हमें कोई डेराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चूंकि यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट बाकी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन रही हैं, इसलिए इनको हम डेराइव्ड या व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। यह इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी पैरामीटर्स की, बाकी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है m into a, ठीक है। मास, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और ये भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो अगर फोर्स को तोड़ रहे हो, तो यहाँ पे भी फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ पे भी फंडामेंटल यूनिट है, और ये वेलोसिटी भी क्या बनता है? वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी आपका क्या हो गया? मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम तो खैर फंडामेंटल यूनिट है ही। तो एक आप डेराइव यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ कर रहे हो, इनके बिना आप फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? यह होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? कि लेंथ की 3 multiplication, m into m into m। तो आप डेंसिटी को बिना मास और लेंथ के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वॉल्यूम क्या है? लेंथ से ही तो बना है, l into b into h, यानी कि डिस्टेंस को आप 3 direction में नापे तभी वॉल्यूम मिला आपको, ठीक। तो चूंकि डेराइव यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि तभी रिप्रेजेंट होंगी जब आप एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करो,
इसलिए इनको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं और यह इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, यह आपके फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मोमेंटम की बात कर लें, मोमेंटम जिसको स्मॉल पी से प्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, वो होता है एम इंटू वी। एम क्या है, मास है, और वी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मास यानी केजी और वी यानी कि आपका वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो इसको नापोगे मीटर में, इसको नापोगे सेकंड में। इस तरीके से देखेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट ये हो गई, एक फंडामेंटल यूनिट ये हो गई, एक फंडामेंटल यूनिट ये हो गई। तो एक डेराइव यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तीन फंडामेंटल यूनिट की यहाँ पर यूज़ किया है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट्स होती हैं जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं, और डेराइव यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो कि एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल यूनिट टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि डेराइव यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, खास तौर पे एग्जांपल्स याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो एग्जांपल से ही बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देन आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपने इतनी सारी यूनिट्स की बात कर ली, अब कौन सी जगह पे कौन सा यूनिट यूज़ करना है, यह एक प्रॉपर सिस्टम के अंडर में आता है। अलग अलग देश अलग अलग तरह के सिस्टम का यूज़ करते हैं, और मेजॉरिटी बेसिस पे पूरी दुनिया में चार तरह के सिस्टम ही पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं है कि चार ही तरह के होते हैं, चार ही तरह के पॉपुलर हैं। ऐसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी छोटी छोटी चीज़ों को नाप लिया जाता है, लेकिन मोटी मोटा बात करें तो पूरी दुनिया में चार तरह के सिस्टम पॉपुलर हैं। पहला जो कि सबसे पुराने सिस्टम में से एक है, CGS सिस्टम। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, अगर हम लोग जहाँ पर यूनिट मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम CGS सिस्टम कहते हैं। ठीक, FPS सिस्टम, फूड पाउंड सेकंड सिस्टम, ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो जब डिस्टेंस को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं FPS सिस्टम। देन आता है MKS सिस्टम, लेंथ आपका मीटर में, मास आपका किलोग्राम में और टाइम आपका सेकंड में। SI यूनिट आने से पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर MKS सिस्टम ही था। इंडिया में और इंडिया के आसपास के देशों में MKS सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था, इवन अमेरिका में भी MKS सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, जब तक यूरोपियंस थे अमेरिका में तब तक FPS यूज़ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो MKS की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी MKS सिस्टम में कुछ सुधार किए गए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, और MKS सिस्टम से बन गया SI सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है वो कौन सा है, SI यूनिट सिस्टम है। और इसी सिस्टम का यूज़ करके आज के टाइम में सारी बुक वगैरह पब्लिश की जाती हैं, सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के काम होते हैं। आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब क्या होता है SI सिस्टम, तो SI सिस्टम की शुरुआत हुई थी आपकी 1960 में। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी देश में CGS सिस्टम चल रहा है, किसी देश में FPS सिस्टम चल रहा है, किसी देश में MKS सिस्टम चल रहा है। हो रही थी प्रॉब्लम कि किसी देश में जाए तो वहाँ फुट फुट चल रहा है। अब फुट जो मीटर यूज़ करता है वह फुट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में। ठीक, अब हम अगर मान लीजिए यूरोप चले जाएँ, वहाँ पर डिस्टेंस को नापते हैं माइल में। भले आपको पता है कि 1 माइल इक्वल्स टू 1.60 किलोमीटर, लेकिन अगर वहाँ पे सीधा कोई बोलेगा ना कि मैं 10 माइल से या 33 माइल से होके आया हूँ, अब 33 माइल सुनते ही पहले आप कैलकुलेट करोगे, फिर समझोगे कि अच्छा इतना होता है, आप कंफर्टेबली तुरंत अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग मास को बोलते हैं केजी में, वो बोलते हैं पाउंड में कि मेरा वेट तो 250 पाउंड है। अब 250 किलो, अरे इतना भारी है, फिर नापते हैं अच्छा 100 ही किलो तो है। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे बदलती हैं। तो जब ये प्रॉब्लम स्टडी के दौरान, रिसर्च के दौरान आ रही थी, तो 1960 में ये जेनेवा में एक मीटिंग हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय माप तौल सम्मेलन। कहाँ हुआ था, जिनेवा में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस का एक ही मोटो था कि भाई किसी तरीके से एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया जाए, और वह स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम कौन सा बना, वो बना SI यूनिट सिस्टम। ठीक, SI यूनिट सिस्टम क्या है, यह कोई नया सिस्टम नहीं है, बल्कि MKS सिस्टम में ही कुछ चीज़ें ऐड करके उसका विस्तार कर दिया गया और कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर दी गई। तो MKS सिस्टम का ही एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं विस्तारण और मॉडिफिकेशन, यानी कि संशोधन, क्या कहलाता है, SI सिस्टम कहलाता है। यानी SI सिस्टम में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें MKS सिस्टम जैसी ही हैं, जैसे कि मास KG SI में भी होता है, MKS में भी होता है। लेंथ
मीटर आपका एमकेएस में भी है और मीटर आपका एसआई में भी है। तो एसआई सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं था, बल्कि एमकेएस सिस्टम में ही कुछ चीज़ों को ऐड करके और कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बना दिया, जो कि 1960 में जिनेवा में एक्सेप्ट किया गया था। एसआई सिस्टम के अनुसार टोटल 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स और 2 तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं ये भी आपको बताया, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, जब आप 2D में किसी एंगल को नापते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जब आप 3D में किसी एंगल को नापते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एसआई सिस्टम के अनुसार टोटल 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी ऐड कर दिया गया। और यह 2 सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक इकाई कौन कौन से हैं, एक है हमारा प्लेन एंगल जिसको रेडियन में नापा जाता है, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको स्टे रेडियन में नापा जाता है, ठीक। थोड़ा सा उस पर डिटेल में बात करते हैं। मास जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेटर होगा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और किलोग्राम को स्मॉल केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल याद रखना, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम यानी कि समय, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट सेकेंड होती है, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, याद रखना दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है हमारा वाटर करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एम्पियर में नापा जाता है, इसका सिंबल कैपिटल ए होता है। टेम्परेचर तापमान, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, इसका सिंबल कैपिटल के है। एम्पियर और केल्विन दोनों साइंटिस्ट के नाम थे, और जहां कहीं भी साइंटिस्ट का नाम आता है वहां सिंबल कैपिटल हो जाता है, ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट मोल है, सिंबल एम ओ एल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसको आप आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी एल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल एल है और ये वी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडिला होती है, जिसको सिंबल फॉर्म में हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो एक कौन सा था, एक हमारा था प्लेन एंगल, वो यहाँ ऐड नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे नापते हैं, ये नापते हैं हम लोग रेडियन में, और इसके सिंबल क्या होता है, आर ए डी होता है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, जब 3D में एंगल नापते उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको कैसे नापते हैं, इसको नापते हैं हम स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन में, और स्टे रेडियन की यूनिट सिंबल क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एस आर। तो याद रखना है, इसको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं सारे फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। इनके सिंबल याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम याद रखना, उनका यूनिट याद रखना, ठीक। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। एरिया यानी कि एल इंटू बी, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग एसआई यूनिट में न्यूटन बोलते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कोई काम करने की क्षमता ही ऊर्जा है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी होता है न्यूटन मीटर, जिसको एसआई यूनिट में हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, देखिए जूल लिखा हुआ ना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब। मोमेंट, मोमेंट यानी कि आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इनटू मीटर। पावर, पावर क्या होता है, फोर्स आपका जो काम करने की क्षमता ही ऊर्जा है, और उसी को हम पावर कह सकते हैं, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड यानी कि वॉट। वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया आपका जूल में यानी न्यूटन मीटर। मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि एम इंटू वी यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। और प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन पर अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, ये पूरे चैप्टर से आगे चल के, फोर्स का अलग चैप्टर है, मोमेंटम का अलग है, इनके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डेराइव क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। स्टेबल को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, आपके काफ़ी काम आएगा ये चीज़ जो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। आप जब भी पढ़ना लेक्चर, एक कल्चर आ गया पिछले 2-3 साल से कि सर PDF डाउनलोड करके प्रिंट कर दे रहे हैं, वो इफेक्टिव तरीका नहीं है। आपके पास
CBT 1 के लिए 6 मंथ्स हैं, ठीक है। जब भी आप पढ़िए आराम से पहले वीडियो देखिए, 30-35 मिनट्स की एक वीडियो रहेंगी, आराम से पहले एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद उसको 1.5x पे लगा करके वीडियो को दोबारा देखो, रिवीजन होगा और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। जब आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो सारे नोट्स अपने हाथों से लिखते हो ना, अपने हाथों से जो नोट्स बनता है वह ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, PDF के फॉर्म में मोबाइल में स्टोर आ जाती हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप पूरी एक क्लास की तरह फील करना, जैसे आप क्लास में मन लगा करके लिख लिख के याद करते हो वैसे ही करना। ट्रस्ट रखना, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना, हम लोग पर ट्रस्ट रखना, 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। होना नहीं होना तो एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 का नहीं होता है, होता 5-10 का ही है, पढ़ते सब हैं लेकिन उन्हीं का होता है जो सच में पढ़ने के लिए पूरा एफर्ट लगाए हैं और उनकी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ है। इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट मत अपनाना। शायद RRB की यह आखिरी वैकेंसी हो, ऐसा नहीं कि मेरे को कोर्स बेचना तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इतना पैसा कोर्स का नहीं है, ठीक है, अभी 10-10 हज़ार रुपये में कोर्स आएंगे आप देखना। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये RRB की हो सकता है लास्ट JEE की वैकेंसी हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से सुंदर सुंदर बढ़िया से नोट्स बना करके, हाईलाइटर से करके नोट्स बनाना, 6 महीने हैं, बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हमने बेसिक आपको बताया कि यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करना है, क्या फंडामेंटल यूनिट है, क्या डेरिवेटिव यूनिट है, कम्प्लीटली जो यह चैप्टर था वो इतना ही था। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 4-5 सालों में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, NCERT से डायरेक्टली ये पॉइंट्स उठाए गए हैं, ठीक है। जो भी डेटा आपको दे रहा हूँ ये सारे NCERT का दे रहा हूँ, क्योंकि वही स्टैंडर्ड है हमारा RRB JEE के लिए। यूनिट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जब हम खगोलीय दूरी नापते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स, अंतरिक्ष की दूरियाँ नापते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के टोटल 3 यूनिट्स होती हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, एक होता है लाइट ईयर, एक होता है पार्सेक। उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर में AU होता है 1.5 × 10^11 मीटर के इक्वल। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि कभी सन अर्थ के काफ़ी पास होता है, कभी दूर होता है, क्योंकि इलेप्टिकल पाथ है, आप जानते हैं दीर्घवृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर नहीं है कि डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं जो कि 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर होता है। अब सेकेंड कौन सा है, लाइट ईयर। एक साल में, वन ईयर में, देखिए एक साल में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी को हम बोलते हैं लाइट ईयर, जिसे हम LYR से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10^16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देन आपका आता है पार्सेक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PC से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह सभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट होती है, यानी इससे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कोई होती ही नहीं है। कैसे, क्योंकि एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो 3.08 × 10^16 मीटर के बराबर होती है। और यह वैल्यू कितनी है, तो यह वैल्यू 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, या 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। तो एक पार्सेक की वैल्यू लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोनों से बड़ी होती है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, निम्न में से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो याद रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब इन तीनों यूनिट्स का यूज़ करके हम लोग तारों के बीच की, जिसको हम स्टार्स कहते हैं, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को नापते हैं, या प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को नापते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस, तारकी दूरियां, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी है ना अंतरिक्ष विज्ञान, तो वैसे ही अंतरिक्ष में क्या होता है, सारी दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब एक तारे और दूसरे तारे के बीच की दूरी क्या है, लाइट ईयर्स में है, 20,000 लाइट ईयर है, मतलब कि एक तारे से अर्थ तक लाइट को आने में 20,000 साल लग रहे हैं, वो भी कौन सा लाइट, जो भाई एक साल में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितनी ज़्यादा होंगी, तो जब भी हम लोग अंतरिक्ष में प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस या स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को नापते हैं तो इसको हम स्टेलर यूनिट्स कहते हैं। कैसे नापते हैं, तो रडार टेक्निक के द्वारा। अब आपको कैसे पता चला कि, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है,
फॉर एग्जांपल अर्थ से लेकर के प्लूटो के बीच की दूरी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 लाइट ईयर है, एज्यूम कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला हम कौन सा इंच टेप लेके गए थे वहाँ नापने के लिए, हम तो नहीं गए थे। तो कैसे नापा कि अर्थ से हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब चुंबकीय विकिरण को रडार के हेल्प से फेंका। अब यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यह अर्थ से जाएगा प्लूटो और प्लूटो के सरफेस से टकराएगा और वापस से आएगा अर्थ पे। तो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की उसको आधा कर लेंगे तो हमें अर्थ से प्लूटो के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यानी कि जब कभी भी हमको दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस या स्टार और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस नापनी होती है तो वहाँ पे हम रडार टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भेजा जाता है, वो जाता है सरफेस से टकराता है और वापस आता है, और इस तरीके से हमको ये बड़ी बड़ी डिस्टेंस नापने में आसानी होती है। इसी वजह से हम लोग 20,000 लाइट ईयर दूर भी जो डिस्टेंस है उनको हम नाप पाते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से। तो तीन तरह के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, तीन तरह के एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं जिसमें आप यूनिट का कौन कौन सा यूज़ करते हो। एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि आपके सन और अर्थ के एवरेज डिस्टेंस के बराबर है। एक है लाइट ईयर जो कि एक साल में वैक्यूम में लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होता है। और एक होता है पार्सेक जो कि 3.26 लाइट ईयर या 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। और सभी के सभी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में से सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो 1 पार्सेक होती है। इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए हम रडार टेक्निक का यूज़ करते हैं, और इस टेक्निक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं। बोनस के रूप में आप इसको भी याद कर लेना, वैसे ही आपको पता है बट स्टिल एक जगह मैंने लिख दिया है कि 1 किलोमीटर 1,000 मीटर होता है, ये आपको पता है। 1 माइल जिसको मील हम लोग हिंदी में कहते हैं वो 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से आउंस, ठीक है, आउंस आपका FPS सिस्टम में यूज़ किया जाता है, तो 1 आउंस जो होता है वो 28.35 ग्राम होता है, 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg होता है, और 1 मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। सिमिलरली एक लूनर मंथ मतलब कि जो चंद्रमा के बेसिस पे हम लोग 1 महीना डिसाइड करते हैं, यानी चंद्रमा को अपने एक्सिस पर जो अर्थ का चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं लूनर मंथ, ठीक है। तो एक लूनर मंथ जो होता है वो 28 डेज का होता है, और एक सोलर मंथ जो होता है वो 30 से 31 डेज का होता है, ठीक है। तो लूनर मंथ कितना होगा, 28 डेज का, और सोलर मंथ क्या होगा, 30 से 31 डेज का। यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात किया जाए तो 1 लीटर में 1000 cm³ होते हैं, और 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, एक जगह मैंने कर दिया है ताकि आप जब रिवीजन करो तो याद हो जाए कि एक लूनर मंथ 28 डेज है, एक सोलर मंथ 30 या 31 डेज होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। लास्ट में इसको याद रखना जिसको बोलते हैं नॉट। नॉट क्या है, समुद्र में जो दूरी होती है या हवा में जो दूरी होती है उसको नापने के लिए हम एक अलग यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉट, और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। तो नॉट क्या है, स्पीड की डिस्टेंस है जो कि 1 नॉटिकल माइल पर आवर के बराबर होती है, और 1 नॉटिकल माइल पर आवर का मतलब क्या हो गया, 1.852 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जनरली जो ये नॉट है या जो यूनिट है इसका यूज़ हम लोग मेट्रोलॉजिकल में, मतलब मेट्रोलॉजी क्या होती है, मौसम विज्ञान में, मैरीटाइम में यानी समुद्री स्टडी करने में, समुद्र की स्टडी करने में, और एयर नेविगेशन में यानी हवा में ट्रैवल करते हैं, जब जैसे हवाई जहाज़ हो गया, ठीक है, एयरप्लेन। तो एयरप्लेन जब मेज़र, जैसे एयरप्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ रहा है तो वह जो डिस्टेंस है या वह जो स्पीड ट्रैवल कर रहा है उसको हम किलोमीटर या मील में नहीं नापते हैं, उसको हम नॉट में नापते हैं, ठीक है। और एक नॉट क्या होता है, तो एक नॉट जो होता है यह होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। इसको फुल फॉर्म क्या होता है, नॉटिकल माइल पर आवर। एक माइल क्या होता है, एक माइल होता है 1.60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस याद रखना कि नॉट नॉटिकल माइल है और माइल आपका 1.60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटा है ताकि आसानी से उसका रिवीजन किया जा सके। यह आपको अभी स्पेशली RRB एक्सप्रेस बैच के लिए एक डेमो टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसका जो लिंक है वह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। आप उस कमेंट में जाना, जब यह वीडियो YouTube पे पोस्ट होगी तो YouTube के
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन आता है, उस कमेंट सेक्शन में आपको एक पिन कमेंट दिखेगा मेरे द्वारा, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करना और आप सीधे एक टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। वह टेलीग्राम चैनल RRB एक्सप्रेस बैच के डेमो के लिए बनाया गया है। 3 दिन तक डेमो चलेगा, जिसमें कि यह वीडियो अपलोडेड होगी, इस वीडियो का PDF अपलोडेड होगा, इस वीडियो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोडेड होंगे, छोटे छोटे आपके कुछ पॉइंट्स अपलोडेड होंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि वीडियो कोर्स कैसे काम करेगा, टेलीग्राम ग्रुप कैसे काम करेगा और टेस्ट सीरीज तो खैर आप सब जानते हैं कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कैसा लगा आपको वीडियो, कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मास्टर कॉम्बो ज्वाइन करना, इसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपको एक ओवरऑल प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम लोग का प्रॉमिस है आपसे कि हम लोग आपको एकदम जो सबसे अच्छा मटेरियल है वह हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हिंदी हो तो हिंदी में, आप देख भी पा रहे होंगे कि सारा मटेरियल इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया गया है कि लैंग्वेज वगैरह का कोई इश्यू ना रहे, ठीक है। तो एक वीडियो ये आपकी डेमो की आज हो गई और एक वीडियो अब आपकी, आज मंडे है तो वेंसडे को अपलोड होगी। एक दिन का मौका मिलेगा ताकि आप पढ़ के अच्छे से याद करके चीज़ों कर सकूं। और कल तो हमारा अश्वमेध प्रोग्राम का सर्वे का भी लेक्चर है, आप लोग आ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। बहुत सारे बच्चे कल रात में आए थे, बहुत ही बढ़िया लेक्चर था, उसे भी फॉलो करते चलना, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, अगर आप डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ सर बहुत बढ़िया पढ़ा है हमको परचेस करना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको सपोर्ट टीम के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। किसी भी तरह की इंक्वायरी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो YouTube का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, और अगर कोर्स परचेस करना है, एनरोल करना है तो आप इस WhatsApp नंबर पे मैसेज जरूर करना, ठीक है। तो एक प्रॉमिस के साथ कि आपको हम लोग सबसे अच्छा कंटेंट देंगे, इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं फिर से हम लोग कल शाम को 4 बजे अश्वमेध प्रोग्राम के सर्वे के सेकेंड लेक्चर के लिए, जिसपे हम लोग बात करेंगे थियोडोलाइट की, ट्रावर्सिंग की एंड प्लेन टेबल सर्वे की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।